brought to you by Techno Camon 30 series. जहाँ तक हमारी ओपिनियन का सवाल है कि यह कांटे का मुकाबला है, लेकिन आंकड़ों पर यदि हम जाते हैं तो कांग्रेस का दावा कोई बहुत ज्यादा टिकता नजर नहीं आता। बिल्कुल, देखें, 7 चरण संपन्न हो चुके हैं आज और अब बस मतगणना की बारी है। देश के हिसाब से बात करें तो कोई डाउट नहीं है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से सचिन पायलट और कृणाल मीणा के बीच रहा है। जब तक कृणाल मीणा यहाँ चुनावी मैदान में नहीं आए थे तब तक कांग्रेस का पल्ला बहुत भारी था और अच्छा था उनका। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ जा रहा है और परिणाम की तारीख भी अब नजदीक आती जा रही है और उस परिणाम तारीखों से पहले एग्जिट पोल का सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम दौसा से आज आपको एग्जिट पोल बताते हैं किसका पल्ला भारी है और कौन माइनस में है। हमारे साथ जर्नलिस्टों का एक पैनल है, इनसे बात करते हैं। सर, तारीख नजदीक है परिणामों की, सब इंतजार कर रहे हैं एग्जिट पोल का, दौसा का किस तरीके देखते हैं एग्जिट पोल, अगर आपसे पूछे कौन भारी है? एग्जिट पोल में कांग्रेस के हौसले पूरी तरह बुलंद है और कांग्रेस उम्मीदवार को और उनके समर्थकों को लग रहा है कि वे भारी मतों से यह लोकसभा सीट जीतेंगे और पिछले 3 बार की जो हार हो रही है उसमें एक बार फिर कांग्रेस खाता खोलने की तैयारी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस जो दिखा रही है वह केवल दिखावा है, यह पोल है, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही, इसमें कोई नया होने वाला नहीं है। यह अलग बात है कि जो जो गर्मी बढ़ती है तो कांग्रेस के हौसले और बुलंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अब मौसम बदल रहा है और बादल होने लगे हैं और काउंटिंग की तिथि लगभग आ चुकी है, ऐसे में अब परिणाम सामने है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ तक हमारी ओपिनियन का सवाल है कि यह कांटे का मुकाबला है, लेकिन आंकड़ों पर यदि हम जाते हैं तो कांग्रेस का दावा कोई बहुत ज़्यादा टिकता नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ पिछले 3 चुनाव में रही है, SC ST के वोट बैंक का जो रुझान रहा है उसको देखते इस बार कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलने वाली बात नज़र नहीं आती है। लेकिन सर, 1 महीना हो गया लगभग सारे समीकरण को सेट करके, 1 महीने के बाद में क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल के अनुसार कौन निकल रहा है अपना दूसरा? जिस समय टिकट चुनाव में घोषणा हुई थी, टिकटों का वितरण हुआ था, उस समय कांग्रेस की परिस्थिति ये थी कि कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं था और आज वही कांग्रेस अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से यही नहीं प्रदेश में भी 5-7 सीटों का जीत का दम भर रही है। लेकिन चूंकि ऐसा बीजेपी वालों का कहना है और विशेषज्ञों का भी मानना है कि SC ST वोट बैंक करीब 70-80% बीजेपी के खिलाफ रहता है, जो हर बार की तरह इस बार भी खिलाफ रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नया परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जिस तरह वोटर परसेंटेज कम हुआ है उसको देखते हुए इसमें कोई पोल निकलने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस के हौसले निश्चित रूप से बुलंद है, वो अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है। कहना अभी जल्दबाजी होगा, परिणाम का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी, दोनों ही पार्टियां पहले चुनाव होने के बाद सगुफे चल रहे थे, दावे किए जा रहे थे, लेकिन चूंकि लंबा समय गुजर गया अब स्थिति यह है कि कांग्रेस जिस तेजी से दावा कर रही थी उतने तेजी से अब कांग्रेस भी दावा नहीं कर रही। हाँ, बीजेपी के जरूर कुछ उम्मीदवार जैसे कन्हैयालाल जी या और उनके समर्थक हैं वो थोड़े से मुखर हुए हैं। इसमें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से दौसा सीट पर कांटे की टक्कर है और मुकाबला आसपास ही है। और भी हैं आशीष, क्या लगता है आपके पास एग्जिट पोल क्या चेंज होगा, बदल आ रहे हैं आसमान के ऊपर? बिल्कुल, देखें, 7 चरण संपन्न हो चुके हैं आज और अब बस मतगणना की बारी है। देश के हिसाब से बात करें तो कोई डाउट नहीं है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 400 पार होंगी या नहीं होंगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुमत से काफ़ी अच्छी सीटें एनडीए और भाजपा की आएंगी। ये तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25-0 का आंकड़ा नहीं रहने वाला, ये कन्फर्म है। और जिस तरह कांग्रेस कह रही है कि हम आधी से अधिक सीटें जीतेंगे वो भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इक्की दुक्की सीटें, 2 या 3 सीटें 1 सीटें कुछ भी जीते, पर जीतेगी जरूर कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीटें जीत जाए, 1-2-3 सीटें पर सिमट के रह जाएगी। दौसा की बात करेंगे, दौसा देखो कांटे का मुकाबला है और अगर कोई दावा कर रहा है कि हम जीतेंगे तो वो बहुत जल्दबाजी भी है और गलतफहमी भी है। कांग्रेस में कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सब कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। कोई कह रहा है 50,000 से जीतेंगे, कोई कह रहा है 1 लाख से जीतेंगे, कोई कहता है 2 लाख से जीतेंगे, लेकिन
वोटर तो वही है जो पहले थे, सोच भी वही है जो पहले थी। कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी की लहर कम हो गई, नरेंद्र मोदी की लहर पूरी राजस्थान में कोई मायने नहीं रखती। नरेंद्र मोदी की लहर सामान्य वर्ग में होती है, जो पहले भी थी आज भी है। एससी एसटी में नरेंद्र मोदी की लहर पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की लहर का इस इलाके में 4-5 सीटें जो लोकसभा क्षेत्र की हैं पूरी राजस्थान की, वहाँ कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत जरूर कह सकती है, लेकिन भाजपा कमजोर नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो देखो माहौल के हिसाब से, चर्चा चौराहे की बात करो या फिर चाय की दुकान पर की बात करें तो वहाँ कांग्रेस के लोग मिलते हैं, कांग्रेस की ज़्यादा बातें होती हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार जसकोर मीणा सवाई माधोपुर से आई, यहाँ पर उसका कोई आधार नहीं था और अधिकतर मीणा नेताओं ने उनका विरोध किया, इसके बावजूद भी वो चुनाव जीत गई, 78,000 वोट से जीत गई। अब कन्हैया लाल मीणा है, उनका किसी ने विरोध नहीं किया, वो और वो यहाँ लोकल एक तरीके से अपना पैठ भी रखते हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ा। सामान्य वर्ग नरेंद्र मोदी के चलते उन्होंने खूब अच्छा वोट किया, ऐसा नहीं है। वोट प्रतिशत कम हुआ तो इसे ये कहना कि भाई जनरल कास्ट ने वोट नहीं दिया, ऐसा गलत फहमी है। क्योंकि जो आजकल जो अवेयर होता है, जो जागरूक होता है, वो वोट करता है। जनरल कास्ट में अवेयरनेस है, इसमें कोई शक नहीं है, और वोट के प्रति तो अवेयरनेस है। वोट किसका कम हुआ है वो तो 4 जून को 12 बजे 12:30 बजे से पता चलना शुरू हो जाएगा, पता चल ही जाएगा क्लियर कि 12:30 बजे कौन जा रहा है कौन आ रहा है, और फिर रुझान आएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांटे का मुकाबला होगा, बहुत कम वोटों से हार जीत होगी और भाजपा कमजोर नहीं है। कांग्रेस भले ही जाए मजबूत हो, लेकिन भाजपा कमजोर नहीं है, कांटे की टक्कर है। पाराशर जी, 12 किसके बजेंगे आपकी बार? देखो अब इस बार लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से सचिन पायलट और किरणलाल मीणा के बीच रहा है। जब तक किरणलाल मीणा यहाँ चुनावी मैदान में नहीं आए थे, तब तक कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी था और अच्छा था उनका। किरणलाल मीणा ने जैसे ही यहाँ की चुनावी कमान संभाली, उसके बाद में एसटी के मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है, वो बीजेपी की तरफ भी गया है और वो कांग्रेस की तरफ भी आया है, और वही स्थिति एससी मतदाताओं में भी रही है, उनका भी ध्रुवीकरण हुआ है। क्योंकि यहाँ किरणलाल मीणा पिछले 20-25-30 सालों से सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं, और सचिन पायलट को भी अपन नया नकार नहीं सकते, उनका राजनीतिक जीवन भी यहीं से दोसा से हुआ है। इसलिए यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला नहीं रहा, किसी भी सूरत में नहीं रहा। और अब जैसे बात करें अपन गुजर मतदाता सैनी मतदाता, तो जैसे ये मुकाबला आमने सामने हुआ किरणलाल मीणा सचिन पायलट के, तो सैनी मतदाता वो बीजेपी के फेवर में चले गया, गुजर मतदाताओं में भी ध्रुवीकरण हुआ है। दौसा जिले के जो 5 विधानसभा क्षेत्र थे उनमें तो उन्होंने सचिन पायलट के पक्ष को मानते हुए कांग्रेस के फेवर में किया है, लेकिन जैसे थानागाजी है, बस्सी है, चाकसू है, वहाँ उन्होंने उसको बीजेपी के फेवर में किया है। एक महीना हो गया लगभग सारे समीकरण सेट करके, प्लस कौन? देखो प्लस अपन बात करें ना, तो जिस प्रकार से मतदाताओं का एसटी एससी के जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है, उसकी स्थिति में तो बीजेपी ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से दावा कर रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि हार जीत का मुकाबला भी 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा यहां पर। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि दौसा लोकसभा सीट से अगर कांग्रेस हारी तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ है, और अगर यहां से कांग्रेस जीतती है तो पूरे राजस्थान की 6 से 7 सीटें कांग्रेस की आएगी। गौरव जी, क्या लगता है आपकी बात? पाराशर जी कह रहे हैं कि दौसा हारी तो 25 की 25 सीटें बीजेपी खाते में जाएगी। देखो मुझे तो ये लगता है कि दौसा का जो चुनाव परिणाम है वो बहुत ही रोचक होने वाला है। दौसा हॉट सीट बनी हुई है, कांग्रेस को पूर्ण विश्वास राजस्थान में कहीं है तो ये है कि भाई दौसा सीट हम जीत रहे हैं, और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि दौसा सीट हमको जीतनी है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी तक को मैदान में उतारा गया, किरोड़लाल मीणा ने इस्तीफा देने की धमकी की, तो दोनों ही दलों के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है और मतदाताओं के लिए भी परिणाम उतना ही रोचक है। और अपन पीछे चलें तो जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था उससे समीकरण सारे गड़बड़ाए थे। चुनाव में शुरू में कांग्रेस आगे लग रही थी, किरोड़लाल मीणा ने जैसे ही जोर लगाया या वो सक्रिय हुए या शपथ उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, कई मतदाताओं को सौगंध वोगंध दिलाई, उससे मुकाबला फिर रोचक हो गया। फिर लास्ट में ये हुआ कि साहब एसटी एससी वोट ज्यादा कांग्रेस में जा रहा है, आरक्षण का भी मुद्दा चला तो चलो कांग्रेस जीत रही, लेकिन एसटी एससी वोटिंग उतनी हुई नहीं, उससे ये हो गया कि भाजपा फिर मुकाबले में है। तो बड़ा परिणाम रोचक आने वाला है, बहुत क्लोज मुकाबला रहने वाला है, या तो बहुत क्लोज जाएगा मुकाबला या फिर बहुत बड़ी कहीं ना कहीं पोल निकलेगी कि बड़े अंतर से कोई चीज
कोई पार्टी दोनों में से कोई जीतेगी, तो पोल निकलेगी या क्लोज रहेगा मुकाबला, लेकिन होगा रोचक चुनाव, परिणाम बड़ा रोचक है, नजर पूरी रहेगी, पूरे राजस्थान की नजर रहेगी। दोस्तों किरोड़ी लाल मीना का इस्तीफा, अब 7 सीटों से जुड़ गया है, पहले तो दौसा सीट, पहले महुआ से बात की उन्होंने, फिर दौसा सीट की बात की, अब पूरे 7 सीटों की बात कर ली, तो ये बचना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि 7 सीट में से कोई एक सीट तो कांग्रेस जीत ही जाएगी, अब देखने की बात है। और जीत और बचत है तो किरोड़ी लाल मीना की भी एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि वास्तव में उन्होंने बहुत मेहनत की और उसी की वजह से ये जो चुनाव बीजेपी दौसा में टक्कर में आई है। देखो मेरा तो ये मानना है कि किरोड़ी लाल जी ने अगर इतनी मेहनत नहीं की होती या ये शपथ सौगंध और इस्तीफे की बात नहीं करते तो यह बीजेपी टक्कर में नहीं आ रही थी, टक्कर में आई है और अब मुकाबला बहुत क्लोज है, परिणाम बड़ा रोचक होगा। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कौन जीतेगा। देखो अब जैसे 50-50% की बात करते तो 51% यहाँ कांग्रेस लग रही है, ये जनचर्चा से लग रही है, जनता के बीच तो यही ये मानना है कि भाई कांग्रेस ही यहाँ से जीत रही है, और जनता नहीं, राजस्थान में अब तक जो भी सट्टा बाजार आता है या जो भी बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के यहाँ दौसा की सीट मान के चल रहे हैं, तो 51% अपन कांग्रेस की मान के चल रहे हैं, बाकी परिणाम तो देखने लायक रहेगा। परिणाम देखने लायक रहेंगे और भी हैं, कुछ क्या लगता है पुष्पेंद्र की अब की बार 12 किसके बजेंगे और कौन लास्ट तक टिका रहे? अभी कहना असंभव है, दौसा की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो भी आए थे, उन्होंने भी प्रचार किया है। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी भी यहाँ आई थी मुरारी लाल के लिए प्रचार करने के लिए, उन्होंने भी प्रचार किया है। अभी कहना असंभव है कि आटे की टक्कर है, आटे की टक्कर है, और ये सीधी सी बात है क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीना की एंट्री हुई, जो पहले कांग्रेस अपने कॉन्फिडेंस में थी और ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जा रहा है, लेकिन इस तरीके से किरोड़ी लाल मीना ने एंट्री मारी थी और जिसके बाद में जो वोटिंग प्रतिशत जो कम हुआ है उसके बाद दौसा में जो चुनाव है वो फंस गया है, बराबर का कांग्रेस और बीजेपी बराबर से आ गई, हालांकि मुरारी लाल मीणा का कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये चुनाव के जो परिणाम है उसी के बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है, 12 किसके बसते हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।